अपने अभिनय के रंगों से कालिदास, तानसेन, कबीर और मिर्जा गालिब जैसे चरित्रों को नया रूप देने वाले भारत भूषण गायक बनने का ख्वाब लिए मुंबई के फिल्म नगरी में पहुंचे थे, लेकिन वो बन गए जाने माने अभिनेता। हालांकि इसके लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 14 जून 1920 को जन्मे भारत भूषण सरल, सहज, शिष्ट और शालीन अभिनेताओं की श्रेणी में आते हैं। फिल्मी पर्दे से अलग उनका जीवन भी ऐसा ही था। उनके निभाए ऐतिहासिक और पौराणिक किरदारों को उन्होंने पर्दे पर खुद ही जीकर दिखाया। भारत भूषण के अभिनय की शुरुआत निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की 1941 की फिल्म चित्रलेखा से हुई। महान कथाकार भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली, बस जैसे तैसे फिल्में मिलती रहीं। इस दौरान उन्होंने भक्त कबीर 1942 में, 1943 में भाईचारा, 1948 में सुहागरात, 1949 में उधार, रंगीला राजस्थान 1949 में, एक थी लड़की ये फिल्म भी 1949 में आई थी, राम दर्शन 1950 में, किसी की याद 1950 में, भाई बहन 1950 की फिल्म थी, एक और फिल्म थी 1950 की आंखें, 1951 में आई फिल्म सागर, हमारी शान भी इसी साल आई 1951 में, और इसके अलावा 1952 की फिल्में आनंद मठ और माँ। इन फिल्मों में उन्होंने काम तो किया लेकिन कोई खास जगह नहीं बना पाए। भारत भूषण के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा से चमका। विजय भट्ट अकबर के जमाने के महान संगीतकार बैजू बावरा यानी बैजनाथ मिश्रा पर फिल्म बनाना चाहते थे। बैजू बावरा महान कवि तानसेन के समकालीन थे और प्रतिद्वंदी थे। विजय भट्ट इसके लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को लेना चाहते थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तब उन्होंने नए चेहरों को लेने का फैसला किया। संगीतकार चुना उन्होंने नौशाद को। नौशाद ने ही विजय भट्ट को निहायत शरीफ चेहरे वाले एक संघर्षरत अभिनेता का नाम सुझाया, और वो नाम था भारत भूषण का। विजय भट्ट ने नायिका के रूप में अपनी ही एक बाल कलाकार जो अब युवती बन चुकी थी उनको चुना, और वो थी मीना कुमारी। फिल्म रिलीज हुई 1952 में। बस फिर क्या था, फिल्म के रिलीज होते ही फिल्म के गीत संगीत ने तहलका मचा दिया और रजत पटल पर फिल्म छा गई। नौशाद को हिंदी फिल्मों के संगीत का तानसेन बना दिया, मोहम्मद रफी को बैजू भावरा, मीना कुमारी सबसे सक्षम और समर्थ अभिनेत्री बनकर उभरी, और भारत भूषण हिंदी सिनेमा के एक ऐसे शाहकार अभिनेता बने जो अपने ऐतिहासिक और पौराणिक किरदारों के लिए सिने जगत में अमर हो गए। इसी फिल्म के लिए नौशाद ने तानसेन और बैजू के बीच प्रतियोगिता का गाना शास्त्रीय गायन के धुरंधर उस्ताद आमिर खान और पंडित डीवी पलुस्कर से गवाया। फिल्म की एक और दिलचस्प बात ये थी कि इसके संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूनी और गायक मोहम्मद रफी ये तीनों ही मुसलमान थे, और उन्होंने मिलकर भक्ति गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज इस तरह की उत्कृष्ट रचना का सृजन किया। बैजू बावरा की सफलता से उत्साहित यही टीम एक बार फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म के लिए जुटी, और इस फिल्म में सशक्त अभिनय के लिए भारत भूषण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, भक्तों और ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अपने सहज स्वाभाविक अभिनय के रंगों से पर्दे पर जीवंत करने वाले भारत भूषण, उनका यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। मिर्जा गालिब, रानी रूपमती, सोनी महिवाल, सम्राट चंद्रगुप्त, कवि कालिदास, संगीत सम्राट तानसेन, नवाब सिराजुद्दौला, ये कुछ ऐसी ही फिल्में थीं। भारत भूषण के फिल्मी कैरियर में निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब का बड़ा ही विशेष स्थान है। इस फिल्म में भारत भूषण ने शायर मिर्जा गालिब के किरदार को इतने सहज और असरदार ढंग से निभाया था कि ये गुमा होने लगा था कि गालिब ही पर्दे पर उतार आए हैं। बेहतरीन गीत संगीत, संवाद और अभिनय से सजी ये फिल्म
बेहद कामयाब रही और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इस फिल्म के लिए गजलों के बादशाह तलत महमूद की मखमली और गायिका अभिनेत्री सुरिया की मिठास भरी आवाजों में कई गजलें रहीं, कई गीत भी रहे जो काफी मकबूल हुए। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक या फिर मुझे विदाए दर याद आया, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, मेरे बाकी बलम कोतवाल, या फिर कहते हैं कि गालिब का है अंधा से बया। और भारत भूषण ने लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया जिसमें 50 के करीब सफल रही और एक दर्जन से अधिक सुपरहिट। भारत भूषण ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। 1960 में फिल्म बरसात की रात आई थी, इस फिल्म के निर्माता भारत भूषण ही थे। उन्होंने 1964 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म तूज का चांद बनाई, लेकिन इस फिल्म ने कोई खास सफलता हासिल नहीं की। इसके बाद तो उन्होंने फिल्म निर्माण से तौबा कर ली। 1967 की प्रदर्शित फिल्म तकदीर नायक के रूप में भारत भूषण की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में काम करने लगे। उन्होंने छोटे पर्दे की तरफ भी रुख किया और दिशा और बेचारे मुंशी जी जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया। आनंद मठसरी की फिल्मों में अपने अभिनय से राष्ट्रधारा के विस्तार और प्रसार को समुचित गति प्रदान करने में वो सफल रहे और समर्थ भी रहे। भारत भूषण हिंदी फिल्म संसार के अकेले ऐसे अभिनेता थे जिन्हें पढ़ने लिखने में भी बेहद रुचि थी। कहते हैं उनके घरेलू पुस्तकालय में कई हजार पुस्तकों का संग्रह था और हर पुस्तक के अलग अलग पन्नों पर उनकी हस्तलिखित टिप्पणियां भी रहीं। हर पुस्तक के कवर पर उनके हस्ताक्षरों से लिखा था, ये पुस्तक फला फला विक्रेता से खरीदी गई है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। 60 के दशक में लगातार कई फिल्मों में असफलताओं ने भारत भूषण को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, क्योंकि उनके द्वारा निर्माण की गई कई फिल्में लगातार धराशायी होती जा रही थीं। बढ़ते कर्जे के चलते उन्हें अपना बंगला भेजना पड़ा अपने दोस्त राजेंद्र कुमार को, और बाद में यही बंगला राजेंद्र कुमार ने मजबूरी में राजेश खन्ना को भेजा। फिल्मों में काम कम मिल रहा था। जवान बेटी का बोझ, उसकी मानसिक दशा ने भारत भूषण को अंदर तक तोड़ दिया था। उनकी पत्नी रत्ना फिल्मों और सीरियल में छोटे छोटे रोल करके घर का गुजारा कर रही थी। भारत भूषण अब बॉलीवुड में गुमनाम हो चुके थे। पत्नी रत्ना किसी तरह घर का खर्च चला रही थी। इसी बीच भारत भूषण बीमार हो गए। रत्ना ने उनके इलाज के लिए कई जगह हाथ पांव फैलाए, लेकिन मायूसी ही मिली। हालात की मार और वक्त के सितम से बुरी तरह टूट चुके हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग के इस अभिनेता ने आखिरकार 27 जनवरी 1992 को 72 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए, और यदि आपने YouTube चैनल वाइट इंक एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक एंटरटेनमेंट।